तो दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए लिख रहे हैं देश और दुनिया की सभी ताजा फड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इस बीच पहली खबर में आपको बताएंगे, सना खान के बाद शहर अफसाने इस्लाम के लिए छोड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज, अल्लाह की राह पर चलने का किया ऐलान। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे पर उबैसी ने उठाए सवाल, जनसंख्या नियंत्रण पर मोहन भागवत को दिया मुंहतोड़ जवाब। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, वाद विवाद, मुसलमानों के मकानों पर चलाए जा रहे बिल्डोजर, मुस्लिम पर सलाह बोर्ड ने बीजेपी पर लगाया आरोप। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा झटका, इस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके दलितों को मिलेगा SC का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मोदी सरकार की याचिका। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, मुझे गलत तरीके से दिखाने के लिए मीडिया पर खर्च किए गए हजारों करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, दिल्ली दंगों को लेकर फंसी मीडिया और दिल्ली पुलिस, पूर्व जजों की रिपोर्ट में हुआ नया खुलासा, गलत रिपोर्ट दिखाकर मीडिया ने मुसलमानों को किया बदनाम। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों पहली फड़ी की मन कैलकुलेशन, सना खान के बाद शहर अफसाने इस्लाम के लिए छोड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज, अल्लाह की राह पर चलने का किया ऐलान। चौसा पदे, सना खान के बाद भोजपुरी एक्टर से शहर अफसाने इस्लाम के लिए फिल्म इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया है। उनके इस फैसले से पूरा देश हैरान है कि आखिरकार शहर अफसाने ये फैसला क्यों लिया है। दरअसल आपको बता दें, शहर अफसाने से पहले बॉलीवुड अभिनेत्री सना खान ने भी इस्लाम के लिए फिल्म बनाना छोड़ दिया था। उसके बाद दंगल गर्ल ज़ायरा वसीम ने भी इस्लाम के लिए फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। इन दोनों एक्टर्स के बॉलीवुड छोड़ने के बाद भोजपुरी की सुपरस्टार शहर अफसाने भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज को छोड़ने का ऐलान किया और अल्लाह की राह पर चलने का फैसला लिया। शहर अफसाने कहा कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये तय किया है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने जा रही हूँ और अब इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। इंशाअल्लाह मैं अगली जिंदगी इस्लाम की शिक्षा और अल्लाह के अलहम के मुताबिक गुजारने का इरादा रखती हूँ। मैं अपनी गुजरती जिंदगी से तौबा करती हूँ, अल्लाह से तौबा करती हूँ, अल्लाह से माफी की तलबगार हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे। इसके बाद सना खान ने से भी उन्होंने मुलाकात की है, जिसके बाद पूरे देश में शहर अफसाने की चर्चा हो रही है और देश सहित विदेश के मौलाना और मुस्लिम समाज के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी मन कैलकुलेशन, यूपी में मदरसों के सर्वे पर उबैसी ने उठाए सवाल, जनसंख्या नियंत्रण पर मोहन भागवत को दिया मुंहतोड़ जवाब। चौसा पदे, AIMIM चीफ अशुद्ध यूनिवर्सिटी ने यूपी में कराए जा रहे मदरसों के वक्त सर्वे पर सवाल उठाए हैं। उबैसी ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि हमारे देश में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसको लेकर सपा और विपक्ष की दूसरी पार्टियों पर भी निशाना साधा। उबैसी ने कहा कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए मेरी आलोचना की, वो अब कहाँ है जब मदरसा और वक्त सर्वे कराया जा रहा है। अब तो अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेंगे। वहीं उबैसी ने RSS BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि जहाँ BJP की सरकार है, ऐसा लगता है कि मुसलमान खुली जेल में रह रहे हैं। वहीं RSS चीफ मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दिए गए बयान पर उबैसी ने हमला बोलते हुए कहा कि देश में मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है, बल्कि वो लगातार कम हो रही है। इसके साथ ही उबैसी ने कहा कि सबसे ज्यादा कॉन्डम भी मुसलमानी यूज करते हैं और मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लाया जाए क्योंकि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों की आबादी देश में घट रही है और अपने इसी के साथ पड़ी मन कैलकुलेशन, मुसलमानों के घरों पर चलाए गए बिल्डोजर को लेकर मुस्लिम पर सलाह बोर्ड का भाजपा पर गंभीर आरोप। कहा बात बेबात मुसलमानों के मकानों पर चल रहे हैं बिल्डोजर। चौसा पदे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर सलाह बोर्ड ने शनिवार को आरोप लगाया कि कुछ राज्य की भाजपा सरकारें इजराइल जैसी नीतियां अपना रही हैं और बात बेबात दलितों मुसलमानों के मकानों पर बिल्डोजर चलवा रही है। लॉ बोर्ड की ओर से एक बयान के अनुसार महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने दावा किया कि कई शहरों में मुसलमानों और दलितों के मकानों पर बिल्डोजर चलवाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार और कुछ राज्य की भाजपा सरकारें देश में इजराइल जैसी नीतियां अपना रही है और बिल्डोजर संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, जो कि देश के लिए आपत्तिजनक और शर्मनाक है। रहमानी ने आरोप लगाया कि भारत की छवि ऐसे लोकतांत्रिक देश की है जहाँ प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन हाल फिलहाल में सरकार का रुख बदलकर तानाशाही होता जा रहा है और लगातार मुसलमानों और दलितों के घर पर भाजपा बिल्डोजर चलवा रही है। इसको लेकर हम बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे। हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसी के साथ राहुल गांधी का फिर भाजपा पर तीखा हमला। कहा नफरत के खिलाफ
जारी रहेगी मेरी लड़ाई, मुझे गलत तरीके से दिखाने के लिए मीडिया पर खर्च किए गए हजारों करोड़ जो संपदे। कर्नाटक में भारत छोड़ो यात्रा का नेतृत्व करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से भाजपा आरएसएस पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें झूठा बनाने के लिए और गलत तरीके से दिखाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कर्नाटक में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि समझने की बात यह है कि मैं हमेशा एक निश्चित विचार के लिए खड़ा रहा हूं जो बीजेपी और आरएसएस को परेशान करता है। हजारों करोड़ मीडिया का पैसा और ऊर्जा मुझे इस तरह से आकार देने के लिए खर्च की गई है जो असत्य असत्य और गलत है। भारतीय विभाजन और नफरत फैलाए जा रहे सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि आजादी की लड़ाई में सावरकर अंग्रेजों के लिए काम करते थे और उसके लिए पैसे निकालते थे। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस ने भी ब्रिटिश राज का समर्थन किया था और आज उनकी नफरत के खिलाफ ही भारत छोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसी के साथ चली बड़ी मन का हिंदू संगठनों को मोदी सरकार ने दिया झटका। इस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके दलितों को अब मिलेगा एससी का दर्जा। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान चौंसा पदे। केंद्र की मोदी सरकार ने आज हिंदूवादी संगठनों को झटका दिया है। दरअसल मोदी सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्ण की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। ये आयोग इस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके दलितों को अनुसूचित जाति एससी का दर्जा देने पर विचार कर मोदी सरकार को रिपोर्ट देगा। दरअसल आपको बता दें संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 से निर्धारित करता है कि हिंदू धर्म सिख धर्म बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। मूल आदेश में पहले केवल हिंदुओं को वर्गीकृत किया गया था लेकिन बाद में सिखों और बौद्धों को भी इसमें शामिल किया गया और आदेश को संशोधित किया गया। 1990 में सरकार ने आदेश को संशोधित कर कहा कोई भी व्यक्ति जो हिंदू सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानता है उसको इसका अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। लेकिन आज बड़ी अपडेट निकल के सामने भारतीय संविधान अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति एससी के बारे में आज बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। मोदी सरकार इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को एससी का दर्जा देगा जो कि पहले नहीं मिलता था। इसी के साथ चली बड़ी की मन का किशन केजरीवाल का गुजरात में बड़ा ऐलान। कहा सत्ता में आने पर राम भक्तों को मुफ्त अयोध्या यात्रा कराएगी आम आदमी पार्टी की सरकार चौंसा पदे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में सत्ता आती है तो वह भगवान राम के दर्शन के इच्छुक लोगों की अयोध्या यात्रा का पूरा खर्च उठाएगी। केजरीवाल का ये बयान उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी राजेंद्र पाल गौतम द्वारा हिंदू देवी देवताओं के कथित रूप से की निंदा को लेकर जारी विवाद के बीच आया है। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऐलान करते हुए कहा कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार बनेगी भगवान राम के दर्शन के इच्छुक लोगों को मुफ्त में अयोध्या यात्रा की जाएगी दी जाएगी, इसके लिए हम ये चुनावी वादा करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपको जीत मिलेगी क्योंकि वह जनता और ईश्वर के लिए काम कर रही है। इसी के साथ बड़ी मन का किशन कर्नाटक में भारत छोड़ो यात्रा को मिला है जन समर्थन। हताश में बीजेपी विज्ञापनों से लेकर पोस्टरों तक का फर्जीवाड़ा चौंसा पदे। गुरुवार को कर्नाटक में जब अखबार आया तो लोग चौंक उठे। कम से कम 4 कन्नड़ अखबारों पहले पन्ने की सुर्खियां ऐसी थी जिन पर अनायास की ही किसी को विश्वास नहीं हुआ। इसमें अधिकतर खबरें कम से कम 10 साल पुरानी थी। जो लीड स्टोरी थी उसमें कहा गया कि जब मुंबई पर 2008 में आतंकी हमला हुआ तो राहुल गांधी किसी शादी के रिसेप्शन में शामिल थे। किसी खबर में राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया तो किसी में उसकी आलोचना की गई। आखिर क्या था ये? गौर से देखने पर आप सामने आए कि दरअसल ये तो बीजेपी के विज्ञापन थे जो लोगों को गुमराह करने के लिए छपाए गए थे और इन विज्ञापनों का रूप ऐसा रहा था कि मानो अखबार की खबर हो। बीजेपी के इस कदम से बताना मुश्किल है कि बीजेपी की ये हताशा है या वह खुद ही अपना उपहास उड़वाने पर तुली है। दरअसल आपको बता दें कर्नाटक में कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा को राहुल गांधी के नेतृत्व में जोरदार समर्थन मिला जिसके बाद भाजपा हताशा है और अब राहुल गांधी के ऐसे विज्ञापन छपा रही है। इसी के साथ उछली बड़ी की मन का किशन मुसलमानों को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान। बोले मुसलमानों को जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा होने के बावजूद नहीं मिल रहा उचित हिस्सा चौंसा पदे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मुसलमानों को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय मुसलमानों के सामने मुद्दे विषयक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच ये भावना है कि जनसंख्या में एक बड़ी भागीदारी होने के बावजूद उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं मिला है जो बकाए में कई सच्चाई है और इस पर चर्चा होनी चाहिए कि उन्हें उनका उचित हिस्सा कैसे मिल पाए। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में उर्दू के उपयोग की मांग सम्मिलित एक पूर्व प्रवक्ता के बयान पर पवार ने
इस भाषा की सराहना की और कहा कि कई लोग पीढ़ियों से इससे जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमें उर्दू विद्यालय एवं शिक्षा में विचार करना चाहिए, लेकिन उर्दू के साथ ही हमें राज्य की मुख्य भाषा पर विचार करना है। इस संदर्भ में उन्होंने केरल की स्थिति का उदाहरण भी दिया। इसी के साथ चली पड़ी की मन का चेष्टी। दिल्ली दंगे 2020 में पूर्व जजों की रिपोर्ट में सरकार और मीडिया पर गंभीर सवाल। 64 पदे, 4 पूर्व जजों और भारतीय एक पूर्व गृह सचिव ने साल 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हुए सांप्रदायिक दंगों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार, मीडिया की भूमिका पर कई सख्ती से टिप्पणी की गई है। फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिनमें 53 मुसलमानों की मौत हुई थी। मरने वालों में 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे। दंगों में कई घर, दुकान, धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। इस रिपोर्ट को लेकर आई प्रतिक्रियाओं में कहा गया है कि इससे मौजूदा सरकार की ओर से कोई तवज्जो मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट तय करती है कि नाई इंसाफी को दस्तावेजों में दर्ज किया गया है उससे भुलाया नहीं जा सकता।